हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो यहाँ पर मैंने NYB1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल लुक शेयर किया है, साथ ही साथ ये वाला मेकअप लुक सांवली स्किन वालों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम दिवाली करवा चौथ आ रहे हैं और हमें खूब सारा सजना संवरना रहता है और हमें उतना मेकअप नहीं आता है, तो यहाँ पर मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। जो है सीसी क्रीम से ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने नहीं यूज किए हैं, जस्ट मैंने टिश्यू क्रीम और कॉम्पैक्ट से ही वाला पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्रश भी नहीं यूज करने के लिए मैंने बताया कि बिना ब्रश के आप इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो, और पूरा आउटफिट मैंने लास्ट में दिखाया है। ज्वेलरी जो है, ड्रेस जो है, मीशो की है, तो सभी का कोड मैं दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ही मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ जल्दी जल्दी से बताइए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सांवली स्किन का मेकअप लुक। तो आप पहले सबसे पहले आप अपनी स्किन रूटीन फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन रूटीन फॉलो कर ली है और अब हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सोवर सा मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। NYB का क्या है ये जल्दी से बताइए। NYB1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा लूंगी। ये देखिए, एक मिनट, यार ज़्यादा सिंपल सोवर मेकअप NYB ब्रांड ब्रांड, साथ ही साथ सांवली स्किन वालों के लिए इसको अच्छे से ही मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दोनों ही आई में लगाऊंगी, दोनों ही आई में। ये देखिए बस, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक मिनट, NYB का कॉम्पैक्ट, इससे अच्छे से सेट कर लेंगे। बस ये देखिए, इसको अच्छे से ही हमें सेट कर लेना है दोनों ही आई में। yes. और इसके बाद क्या करना है, NYB का ये आई शेडो है, काफी अच्छा है, छोटू सा है, ग्रे कलर का, ये देखिए। और इसको एक फिंगर की हेल्प से इस तरीके से देखिए कितनी अच्छे से लग जा रहा है ना। और मैं इसको इसलिए लगा रही थी क्योंकि ये मेरी ब्लाउज से मैचिंग का है और ये ऐसा इतना ज्यादा प्यारा कलर है ना कि पता ही नहीं चल रहेगा। दोनों ही आई में अप्लाई कर लेंगे अच्छे से ही। अगर आप सिंपल सोवर सा मेकअप करना चाहती हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमारा आई मेकअप हो गया, अब इसके बाद हम लगा रहे हैं NYB का लाइनर। और यहाँ पर जो हम लाइनर लगाएंगे, बिल्कुल पतला लाइनर लगाएंगे, विग लाइनर नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि बिगनर्स को नहीं आता है। और इसी लाइनर से ही मैं काजल भी अप्लाई कर लूँगी। अगर आप चाहते हो काजल अलग से लगाना तो आप लगा सकते हो, बट मैं इसी से लगाई हूँ, तो इससे जो है ना आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और बजट फ्रेंडली भी है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो, तो बस लाइनर हमने अप्लाई कर लिया और अब हम लगाने जा रहे हैं ब्लू हेवन की एब्रो पेंसिल। ये देखिए, तो गाइस इसी आईब्रो पेंसिल से हम अच्छे से ही अपनी आईब्रो को फिल कर लेंगे और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सेम सेट जो हमने आई पर अप्लाई किया था, उसी को थोड़ा सा स्मच करते हुए हमने जहाँ पर लाइनर लगाया था ना, उसी के नीचे थोड़ा थोड़ा सा करके लगा लेंगे। इससे थोड़ा सा लुक हमारा जो है ना अच्छा वाला दिखेगा, ठीक है। और अब हम लगा रहे हैं NYB की CC क्रीम। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप CC क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी लगाओ ना, तो इकट्ठे मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा करते हुए लगाओ, हल्के हाथों से ब्लेंड आउट करते हुए। आपको रफनी नहीं, मतलब कि रगड़ना नहीं है, रफ नहीं करना। अगर आप रगड़ोगे ना तो वो रूखा रूखापन दे देगा और गंदा भी लगेगा। विंटर का टाइम है, हमारी स्किन वैसे भी ड्राई होती है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना और अच्छे से स्किन रूटीन फॉलो करनी है। इसको लगाने से पहले कोई अच्छे से मॉइस्चराइज़र या कोल्ड क्रीम लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक खास बात मुझे ये अच्छी लगी कि ये जैसे बहुत सारी होती ना CC क्रीम, जमी जमी सी, थकी थकी सी होती ना, तो वो इसमें नहीं है। आपको बाकी CC क्रीम में सीरम वगैरह लगा के अप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें मुझे वो प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। बस थोड़ा थोड़ा सा लगाइएगा, टाइम दीजिएगा, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो गई और अच्छा वाला कवरेज भी दे दी है ना। तो अब यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट लिया फिर से NYB का और अच्छे से ही अपने पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं NYB का लाइनर।
लाइनर और अच्छे से अपने पूरे लिप्स पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी लिपस्टिक फैले ना, ओके। और अब हम ले रहे हैं बुलेट लिपस्टिक। बुलेट लिपस्टिक सभी के पास मिल जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे बुलेट लिपस्टिक ही ली हूँ। और मेरा शेड है 1, इसको मैं हल्के से अपनी चिक पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते हो इस तरीके से तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है जब आप मेकअप करो तो आपको जो है ना आपके चिक जो है ना पिंक पिंक रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिखते हैं, बस लाइटली, ज़्यादा ओवर नहीं। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं वही सेम लिपस्टिक और इसको मैं जब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा मनचाहा कलर ना मिल जाए। 1 NYV का 1 शेड है तो अच्छे से ही हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत से लोग पूछते थे हम फॉल्सेस कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको फॉल्सेस लेनी और अपने आई के अकॉर्डिंग कट कर लेना, अगर बड़ी है तो कट कर लेना, अगर बड़ी नहीं है तो फिर नहीं कट करना, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ग्लू लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसे यूज किया है 3-4 बार, तो देखिए इस तरीके से हम इसमें ग्लू लगा देंगे और इसको रख देंगे। सेकेंड वाली में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ग्लू लगा देंगे, ये देखिए। और इसको थोड़ी देर के लिए स्टिक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिकी हो सके और हमारी पलकों भी आराम से सेट हो सके, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, सेट हो रहा जब तक हम लगा लेते हमारे बिंदी। देखिए ठीक है, और अब हम बना लेते हमारी हेयर स्टाइल। अब हम निकाल लेते हैं बेस से मां, देखिए यार हम ले लेंगे आगे से जितने भी हमें चाहिए इस तरीके से, और बस इनको राउंड अंदर के राउंड में घुमा देना है, देखिए। और ये कर देना है थोड़ा सा, सर्दी हो गई यार बस। और अब हम इन्हें पिनअप कर लेंगे, बस सिंपल से हेयर स्टाइल है हमारी। सेम इधर भी इसी वैसे ही करना है हमें, बस ये देखिए जितने हेयर आपको चाहिए उतने ले लीजिएगा, इनको वैसे ही राउंड बस। देखिए शिकार करने हमारी फॉल्सेस सूख चुकी हैं, देखिए स्टिकी हो चुकी हैं। और अब हम इन लगा लेते हैं, ये देखिए इसको भी ऐसे लगा लेंगे। और इन दोनों को आपस में पकड़ के ओरिजिनल को अपनी आर्टिफिशियल फॉल्सेस में पकड़ के चिपका देंगे, ठीक है, ताकि ये फेक ना लगे। तो ये देखिए बस इस तरीके से हमारी फॉल्सेस लग गई। और अब हमारा सिंदूर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए बस। और अब हम बना लेते हैं जूड़ा। चूड़ी के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इस तरीके से कॉम करेंगे, सिंपल सा है, देखते रहिए, ये देखिए। और आप चाहे कॉम भी ना करो तो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। और इसको इस तरीके से राउंड से घुमा देना है और एक क्लीचर लेना है, ये देखिए, और इसको इस तरीके से राउंड राउंड से
घुमा देना है, काफ़ी इजी सा है ये, काफ़ी अच्छा होता है ना, इससे आपके हेयर और अपने पेन से सिक्योर कर लेना है। तो बस बन गया हमारा जूड़ा, सिंपल सा। और थोड़े से हम हेयर यहाँ से निकाल लेते हैं अगर आपको पसंद हो तो, वरना फिर नहीं। देख रहे हो गई हमारी हेयर स्टाइल। और अब हम पहन लेते हैं हमारी ज्वेलरी। सबसे पहले अगर आप बड़ी पहनना चाहते हो सिर्फ, तो ये है, ये मैंने मीशो से ली थी, देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। ये मैंने कहाँ से ली थी बताइए जल्दी से, मीशो से। तो सभी का कोड मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो लेना हो, ज्वेलरी अच्छी लगे आप ले सकते हो। मीशो का लिंक नहीं होता कि आप लिंक पे क्लिक करो, इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको कोड डालना पड़ता है। तो बस ये देखो हमारी ज्वेलरी, मंगलसूत्र तो हमने पहने ही है। और इसके बाद हम, आप चाहो तो शॉर्ट भी पहन सकते हो। और इसकी इयररिंग्स, ये देखो अच्छी लग रही है ना, शॉर्ट भी पहन लेते हैं। मैं तो सिंगल भी चल जाएगा, करवा चौथ में मुझे अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है सजना संवरना भर कर, है ना, क्योंकि इसी में हम दुल्हन जैसे रेडी होते हैं इसीलिए। तो बस ये देखिए। और अब हम क्या करते हैं, कुछ कमी लग रही है ना, अभी बताती हूँ। तो हमें कमी लग रही थी ना मांग टीके की, नथ की। तो अगर आपको मांग टीका नहीं पसंद है तो आप मत लगाइएगा। और इसके बाद हम पहन लेते हैं हमारी नथ। तो इतनी समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही है, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी। और ज्वेलरी जैसा मैंने आपको बताया था कि मीशो की है, और ये जो है गुलेबंद और ये वाला इस समय इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा ये वाली ट्रेंडिंग में है ज्वेलरी। तो आप एक बार ज़रूर बाय करना। पहले मैंने लॉन्ग वाली इयररिंग पहनी होती, सॉरी लॉन्ग वाले क्या यार, लॉन्ग वाले नेकलेस की इयररिंग पहनी हुई थी, अभी मैंने शॉर्ट वाले नेकलेस की इयररिंग्स पहन ली है। तो कैसा लग रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा फाइनल लुक। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके वो भी बताइएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा पूरा आउटफिट, और साड़ी जो है वो है शिफोन साड़ी, इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका रिव्यू मैंने इसी मेकअप लुक में कर दिया है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, और मैं इस पर दे दूँगी लिंक, जब मैं शेयर करूँगी ना, अभी तो मैं शेयर नहीं करूँगी, पहले वीडियो जाएगी ये वाली, फिर उसके बाद जाएगी जब भी साड़ी वाली, तो इसमें मैं दे दूँगी, आप लोग तब तक देख लोगे, एक दिन के बाद वो वीडियो चली जाएगी, तो आप लोग साड़ी का देख लीजिएगा हॉल कैसी है साड़ी। लेकिन इतनी प्यारी साड़ी है ना, और जो इसका ब्लाउज़ है वो दूसरी साड़ी का मैंने पहना हुआ है, इस साड़ी का नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर रेड टमाटर कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। और करवा चौथ दिवाली में आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो ये साड़ी के साथ, क्योंकि करवा चौथ में रेड साड़ी, दिवाली में रेड साड़ी, कोई भी फेस्टिवल हो तो पूजा पाठ का जहाँ पर काम होता है वहाँ पर रेड साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी मेरी वीडियो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बस ब्लॉग यार वीडियो कहीं यही करती हूँ। अगर वीडियो मेरे लिए क्या यार, आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी नया मेकअप लुक देखना आना तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।